जो एक एक चैप्टर एक एक जो डिवीजन हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर टेस्ट लेना, वो चेक करना, वो बच्चों को देना, बच्चों को क्या पढ़ाना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की दिनचर्या शुरू हुई काफ़ी, तो अभी फिलहाल मैंने पेपर ही चेक किए थे और अभी मैं ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ 3 बज चुके। तो मेरे जो है पहले फिलहाल 8 स्टैंडर्ड के पेपर चेक किए मैंने, और पेपर चेक करने के बाद जो है मैंने 2 सप्लीमेंट मतलब आंसर पेपर तैयार कर दिए, ताकि बॉयज़ लोग बोलते हैं कि कहाँ मार्क कटे, कैसे कटे, स्टेप वाइज वगैरह। सो एक पेपर देंगे हम गर्ल्स को चेक करने के लिए, एक पेपर देंगे हम बॉयज़ को चेक करने के लिए। तो इन पर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए, जैसे आपको जो रेड पेन में दिख रही है, सारे के सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर है, जो कि हमें वॉल्यूम फॉर्म लूप करना है या फिर उसका रेडाइफ एंड रेड करने, जो कि हमें वैल्यूज दिए उसके हिसाब से सारे के सारे फॉर्मूलेज, और उसी के हिसाब से हमें सारे आंसर अभी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने थे उन बच्चों को। तो काफ़ी सारे ने किए, काफ़ी सारे कन्फ्यूज भी थे शायद, तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्व कर बता दिया है उन्हें। सो 9 क्वेश्चन पूरे थे, तो उनमें से 80 सॉल्व करने थे, मैंने सारे 9 के 9 क्वेश्चन यहाँ पर मतलब लिख कर रखे दोनों ही पेपर के ऊपर। तो बच्चे देख पाएंगे जो उन्हें देखना है, जिस क्वेश्चन को उन्हें सॉल्व किया है, किस तरह से किया है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, किस तरह से हमें पूरे वैल्यूज पुट अप करनी है, हमारा जो क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है और सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, उसका लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करें, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करें, सब कुछ। चलिए इसमें ढूंढते हैं अभी हम सुई। मेरे बाबा को शायद खेत में कांटा चुभ गया हाथ में, तो उसके लिए अभी हमें सुई निकालनी है इसमें, तो सारे धागे ही धागे। तो ये रहा सुई का पैकेट, इसमें से एक सुई निकाल लेते अभी फिलहाल। अरे सुइया कहाँ से निकाले इसे, तो मेरे बाबा की उंगली से काटा निकालने के बाद अभी थोड़ा सा चाय पिया है, तो ट्रिप ब्रेक हुआ है अभी, तो थोड़ा सा नाश्ता भी किया है क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है लगभग, इस वजह से। तो अभी पूरी घर की जो है साफ़ सफाई करते, यानी कि झाड़ू मारते, शाम का समय होते ही आ रहा है लगभग, तो हमारा काफ़ी सारा एरिया है झाड़ू मारने के लिए। सो यहाँ पर बैठकर मेरी आई और मेरे घर के सामने जो बुआ है, दोनों यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत इस बातचीत पर, इस चर्चा पर सूरी जो कि छोटे छोटे लोग होते हैं, उन्हें शादी में बहुत हुंडा दे देते हैं, तो लोगों से पैसे उठाते हैं, मतलब दूसरे पास पैसे लेकर जो है अपने घर बच्चों की शादी धूमधाम से करवाते हैं, मगर वो पैसे देने वक्त तो काफ़ी उन्हें परेशानी होती है। तो यही हमारे भारत के कानून में हुंडा देना मतलब बंदी है, उसे जेल वगैरह होती है, मगर आज भी जो है गाँव में जो ये प्रथा चालू है, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया जाता, वहाँ पर उठवे धारा हुंडा वो लिया जाता है, तो इस वजह से गोर गरीब लोगों का भी नुकसान होता है। तो इसके ऊपर बहुत कुछ करना भी चाहिए ऐसा मुझे तो भी लगता है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो लेते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं लेते, तो एज डिपेंड रहता है उन लोगों के ऊपर। तो हमारा इंडिया में कानून होने के बाद भी ऐसा कुछ होता रहता है, सब कुछ इसी तरह से बीतते हैं हम टीचर लोगों की लाइफ। टेस्ट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लेना, टेस्ट पेपर निकालना, टेस्ट पेपर होने के बाद उन पेपर को चेक करना, रिजल्ट बनवाना, पेरेंट्स को रिजल्ट बताना, और काफ़ी स्कूल में जो एक एक चैप्टर एक एक जो डिवीज़न हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर टेस्ट लेना, वो चेक करना, वो बच्चों को देना, बच्चों को क्या पढ़ाना है कल उसकी प्रिपरेशन करना, अपनी स्टडी एग्ज़ाम रहती है उस एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना, तो पूरा का पूरा दिन कुछ ऐसे ही जाता है हर टीचर स्टाफ का। और जो परमानेंट जॉब पर रहते हैं तो उनका तो काफ़ी थोड़ा सा कम मतलब लोड होता होगा, मगर इतना तो लोड उन्हें भी होता है। एग्री करते हो ना आप, अगर कोई भी टीचर का बच्चा देख रहा हो या कोई टीचर देख रहे हो, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितने सारे काम होते हैं स्कूल में जाने के बाद, एग्ज़ाम पेपर टेप मतलब काफ़ी सारे का टाइम होते मतलब करना पड़ता है हमें काम। तो और कल तो हमारा लास्ट डे मन का, तो उसके बाद जो क्लास टीचर है उन्हें तो प्रेजेंट के परसेंटेज वगैरह निकालना पड़ता है, ये भी एक काम होता है ना मतलब हमारे स्कूल में को कॉलेज में को कहाँ पर भी है कि नहीं, आप लोग एग्री करते हो। तो ऐसे ही कुछ बीतता है मेरा सारा दिन। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल। चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।